हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स और वेलकम बैक टू आपका अपना जो शो मैं चलाता हूँ यहाँ पर डेली क्रिप्टो हिंदी, और उसके 14वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं, पॉलीगॉन की न्यूज़ है, स्क्वायर को लेके एक न्यूज़ आई है, कार्डानो की एक न्यूज़ है, और यहाँ पर हम यहाँ पर बिटकॉइन को लेके कुछ बात करेंगे, लोगों के ओपिनियन जो बड़े बड़े लोग हैं, और हाँ यहाँ पर डोजे कॉइन की भी खबर लेके आया हूँ। तो मेक श्योर करें कि आज के सेशन को पूरा देखें, और थोड़ी कम खबरें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं सारी खबरें। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी इस जर्नी पर जुड़ जाए, जहाँ पर हम क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को समझेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम को भी नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर देगा, थैंक यू फॉर दिस। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट हैं तो थैंक यू। अब चलते हैं न्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉलर्स कॉस्ट एवरेजिंग, जिन लोगों को नहीं मालूम है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आज बाइनेंस ने एक ट्वीट डाला तो मैंने कहा कि यार ये बताना चाहिए लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। आपको पता है, देखिए $800 अगर एक $10 का प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का, और $800 आपने एक साथ डाल दिए ना उसी प्राइस पे, अब मान लीजिए कॉइन नीचे गिर गया आगे चल के, ठीक, तो आपके पास तो पैसे हैं नहीं अब उसको लेने के, आपने तो उसको महंगे पे ले लिया, अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ वेट करना। लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का यानी कि फ़ायदा क्या होता है, यानी कि थोड़े थोड़े समय पे आपके पास पैसा अगर 50,000 है तो 50,000 एक साथ ना डाल दीजिए, भले प्राइस ज़्यादा हो भले प्राइस कम हो, एक साथ कभी ना लीजिए कॉइन को, ठीक है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है टुकड़ों में बाय करिए, यानी कि आज एक बाय, आज आपने ₹1,000 डाले, कल आप ₹1,000 डालोगे, परसों ₹1,000 डालोगे, ऐसा करके 50 दिन तक ₹1,000 डालो, और फिर देखना क्या जादू होगा, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ना वो एवरेज कॉस्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी, क्योंकि कॉइन जो है वो पंप भी होता है डिप भी होता है, पंप भी होता है डिप भी होता है, क्या पता क्रैश हो जाए, कुछ भी हो, तो हर एक 2 महीने में क्रैश तो हल्का मुल्का देखने को मिलता ही है। तो ये सब करके आपका जो कॉइन की प्राइस है वो एकदम एवरेज और सबसे बढ़िया निकल के आएगी, इस तरह से आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है टोटल वैल्यू लॉक्ड ऑन पॉलीगॉन मैटिक इज़ नाउ एट $7.33 बिलियन। यानी कि पॉलीगॉन में लोगों की दिलचस्पी इस कदर की बढ़ी है कि यानी कि पॉलीगॉन के जो प्रोजेक्ट है उसमें जो लोगों ने अपने स्टेक करा रखे हैं या फिर अपने मैटिक को जो लॉक करके रखा है वो है बढ़ गया है 1,100%, यानी कि 1,100% मई के मंथ में बढ़ गया है ये रेट। पहले यहाँ पर पॉलीगॉन के एड्रेसेस की एक्टिविटी यानी कि ट्रांजैक्शन या भेजना लेना लेन देन जो होती थी उससे 4 गुना इस महीने बढ़ गया है पॉलीगॉन का, यानी कि मैटिक का, सॉरी, ठीक है, जब मैं पॉलीगॉन बोलूँ तो मैटिक समझिएगा। पॉलीगॉन की ग्रोथ जो है वो फ्यूल क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर डिफाई एप्स जो हैं वो इथेरियम में माइग्रेट कर रहे हैं, और इथेरियम के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इथेरियम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर पॉलीगॉन बढ़ रहा है, एक तरह से ये है। आगे चल के मैं आप लोगों को इथेरियम क्या है, पॉलीगॉन क्या है, सबके ऊपर वीडियोस बताने वाला हूँ बहुत अच्छी सी, ठीक है, अंदर के अंदर फंडामेंटल में घुस के बात करेंगे उसमें हम लोग, ठीक। अभी आप देखिए यहाँ पर रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, और टोटल वैल्यू लॉक जो है 7.33, जो कि सबसे हाई है अभी तक की, ठीक है, और लोगों का ये जो ट्रस्ट है वो बताता है पॉलीगॉन आगे के टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैटिक के साथ करिए आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है, जब आप मैटिक के साथ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार प्राइस भी मिलेगा और प्रॉफिट भी। तो एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि पॉलीगॉन्स ग्रोथ इज़ ड्रिवन बाय डिफाई एंड मार्क क्यूबन्स इन्वेस्टमेंट। आप अगर रेगुलर देख रहे होगे शो को, हमारे सेशंस को डेली रोज़ के, तो आपको पता होगा मार्क क्यूबन ने मैटिक में इन्वेस्टमेंट की थी, इसकी न्यूज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, और उसी इन्वेस्टमेंट के बाद और भी दिलचस्पी लोगों की बन गई है मैटिक में, ठीक है। एक बहुत ये इंपॉर्टेंट बात आई है, डोजे कॉइनर माइनर्स नाउ मेक ओवर 6 मिलियन अ डे, यानी कि यहाँ पर समझ रहे हो आप लोग कि जितने जो भी लोग डोजे कॉइन को पहले माइन करते थे, आपको पता होगा कितनी क्वांटिटी में मिल जाते हैं डोजे, तो वहाँ पर डोजे कॉइन को पहले माइन जिन्होंने किया और जो कर रहे हैं उनकी एवरेज जो कि क्वांटिटी है डोजे कॉइन की वैल्यू माइनर्स को मिल रही वो है $6 मिलियन डेली की, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हम कैसे माइन कर सकते हैं डोजे कॉइन, हम कैसे करें, अरे भाई वो इतना आसान भी तो नहीं होता है, जिन लोग माइन कर रहे हैं उनका यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर के हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, और बहुत ही मतलब पावरफुल मशीन्स होती हैं उनके पास जो माइन करते हैं, ठीक है। डोजे कॉइन तो आप ऐसे एरे ऐप्स में भी जाके माइन कर सकते हो, बट उतना नहीं मिलता जितना ये माइनर्स रियल के करते हैं, ठीक है। 30-day एवरेज माइनिंग रेवेन्यू स्टैंड्स एट $259 मिलियन, देख रहे हो आप लोग, तो $6 मिलियन डेली माइनर्स को मिल रहे हैं डोजे कॉइन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये करी गई है, इस डोजे कॉइन अ बबल,
तो मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हूँ, जो मेरा व्यू है वो यही था कि डोजे कॉइन जो है वो बबल बन गया है। मैं तो आपसे शुरुआत से कह रहा हूँ, मैं अभी भी बात नहीं बल्टूंगा अपनी, और मैं यही कहूँगा डोजे कॉइन बबल है, लेकिन तब तक कब तक बबल रहेगा, जब तक मस्क की जो रॉकेट वाला पेमेंट है वो स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद डोजे कॉइन की एक यूटिलिटी आ जाएगी, यानी कि वर्ल्ड केस यूज आ जाएगा, मतलब दुनिया में उसका कुछ काम होगा, उसका कुछ यूज होगा, जिसकी वजह से डोजे कॉइन एक फंडामेंटल कॉइन्स की लिस्ट में आ जाएगा। डोज को मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा कवर करने लगा हूँ, क्यों पहले नहीं करता था, क्योंकि पहले सिर्फ एक मीम कॉइन था जिसको लोग मैनिपुलेट करके प्राइस ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन अब डोज कॉइन की जो है यहाँ पर डेलास मैवरिक्स की जो बास्केटबॉल टीम है उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट करने को बोल दिया था डोजे कॉइन को एज अ पेमेंट अल्टरनेटिव। तो ये सब यूज केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से माइंड बदलना पड़ रहा है डोजे कॉइन्स के, जो लोग डोजे कॉइन को पहले नहीं मानते थे। रॉन पॉल जो है पहले अमेरिका के मतलब प्रेसिडेंट के लिए भी दौड़ रहे थे, मतलब वोट मतलब एक लाइन में लगे थे कॉम्पिटिटर, उन्होंने यहाँ पर कुछ बोला है, वो ये बोला कि बिटकॉइन मस्ट बी टेकन सीरियसली इन द एज ऑफ फ्री मनी, यानी कि यहाँ पर फ्री मनी है और या तो लोग उसको चुरा लेंगे या फिर आप उनको दो, ठीक है, इधर प्रिंट इट, या तो प्रिंट करो या फिर उनको दो। दूसरी चीज़ ये क्या है, फेडरल रिजर्व से ये कहा है कि बिटकॉइन पर नज़र रखिए और ये देखिए कि उसका कैसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर रेगुलेशन लगाने के बजाय हम इस तरह से बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं कि उससे कैसे हम अच्छी तरह से अच्छे खासे यूज़ केस निकाल सकते हैं बिटकॉइन का इस्तेमाल करके। तो एक अच्छी बड़ी बात कही है इन्होंने यहाँ पर। पॉल मेड अ नेम हिमसेल्फ फॉर ड्यूरिंग द 2008 एंड 2012 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विद कॉल्स टू एंड द फेड, यानी कि उन्होंने कहा था कि एंड कर दीजिए फेडरल रिजर्व को, एंड कर दिया जाए पूरी तरह से। तो ये उस समय की इनकी बात है। तो एक ये बड़ी बात हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो बिडेन का जो 6 ट्रिलियन बजट प्रपोजल आया है वो है विच वुड बी द बिगेस्ट फेडरल स्पेंडिंग सिंस वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से सबसे बड़ा बजट है। वहाँ की खैर इकोनॉमी है, बाकी ये सब बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका स्टेटमेंट जो था वो इंपॉर्टेंट था। मैक्स कीजर जो है वो कह रहे हैं बाय बिटकॉइन टू हेल्प योर फैमिली व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्सेस। यहाँ कहने की बात ये कि इनको लगता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, स्टॉक्स और ये सब जो भी है, वो फिर से अगर क्रैश हो जाए या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कुछ भी आया, तो उसके दौरान हम यहाँ पर कैसे अपने फैमिलीज को बचा सकते हैं, अपनी फैमिलीज को बिटकॉइन गिफ्ट करके, बिटकॉइन लेके रखने से, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो बिटकॉइन है वो बाय बिटकॉइन टू हेल्प पीपल लेटर, यानी कि बाद में बिटकॉइन बहुत से लोगों की मदद करने वाला है, ज़िंदगियाँ चेंज करने वाला है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऑन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट्स इज प्राइस टारगेट, क्या है उनका बिटकॉइन का। उन्होंने कहा है कि प्राइस टैग जो था बिटकॉइन का वो उन्होंने कहा था 2,20,000 डॉलर्स तक बिटकॉइन का प्राइस आसानी से एक बिटकॉइन का हो सकता है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इन्होंने भी बोला है कि हैश रेट इज़ मच मोर कंसिस्टेंटली मूविंग इन अ हायर डायरेक्शन, इन माई व्यू इट्स अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट मेट्रिक because it shows us to what extent Bitcoin is going into the traditional legacy system because it's taking energy away from these other things. आप लोग को अगर नहीं पता हैश रेट क्या होता है, तो हैश रेट बेसिकली जब नोट्स बनते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स में मैं समझाऊंगा, जो आगे वीडियो लाऊंगा उसमें मैं हैश रेट्स कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर की एक न्यूज़ आई है, स्क्वायर कंसिडरिंग मेकिंग बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट। आपको बताया था मैंने कि जैक डॉर्सी का स्क्वायर है और जैक डॉर्सी ट्विटर भी चलाते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि इनटू द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट बिजनेस, यानी कि वॉलेट बनाने वाले हैं ये स्क्वायर अपना खुद का, ठीक है। ये कंपनी जो है उन्होंने कहा कि वो एंटायरली ओपन में बनाएंगे, ओपन सोर्स होगा, कंपनी के प्रिंसिपल्स को डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हुए, यानी कि आपको पता होगा जैसे मेटा टास्क होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट होते हैं, वैसे ही स्क्वायर अपना खुद का एक वॉलेट लॉन्च करने वाला है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से खबर आई है कि यहाँ पर आसानी से क्रिप्टो को आगे ले जा सकती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अस बिल्ड एन इंक्लूसिव प्रोडक्ट दैट ब्रिंग्स अ नॉन कस्टोडियल सॉल्यूशन टू द ग्लोबल मार्केट, मच रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु हैज गॉटन अस दिस फार, व्हाट आर द बिगेस्ट ब्लॉकर्स टू गेट अ नॉन कस्टोडियल सॉल्यूशन टू द नेक्स्ट 100 मिलियन पीपल। आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए दे द ऑफरिंग विल ऑल्सो ब्लेंड अवेलेबिलिटी विद सिक्योरिटी वाइल ऑल्सो फीचरिंग अ लेयर टू सॉल्यूशन विच डॉर्सी बिलीव इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो लेयर टू सॉल्यूशन को भी यहाँ पर एसेंशियली इंक्लूड किया जाएगा वॉलेट में, और इन्होंने पूरी बात यहाँ पर करी है, आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो फिर से। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दी है जो बड़ी न्यूज़ आई है स्क्वायर को लेके, ठीक, एक बड़ी न्यूज़ ही है ये, ठीक। अब अगली जो बात है वो है कार्डानो को लेके, कार्डानो की जो रेडिट कम्युनिटी है, रेडिट आप लोग जानते हो कि फोरम है, वहाँ पर डिस्कशन चलते हैं क्रिप्टो को लेके और बहुत सी चीज़ें को लेकर, हर तरह की चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हो बेसिकली, लेकिन क्रिप्टो का वहाँ पे ही शुरुआत हुई थी, रेडिट पे मीम्स होती हैं ये सब। तो कार्डानो की जो रेडिट कम्युनिटी यानी कार्डानो का रेडिट ग्रुप है जो पूरी कम्युनिटी है,
वो 500,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा ग्रो कर गई है। ठीक, कार्डानो नो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटीज़ ऑन रेडिट। ठीक है, कार्डानो की तो आपको पता चल गया, वो कार्डानो टॉप 4 टॉप 5 के आसानी से डिजर्व करता है, और यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है और जिस तरह से वर्क कर रहा है वो बहुत तेज़ है। द सब रेडिट ओनली हैड रफली 95,000 सब्सक्राइबर एट द बिगिनिंग ऑफ 2021, यानी कि इस साल के शुरुआत में सिर्फ 95,000 सब्सक्राइबर थे, 5 गुना यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो कार्डानो की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पर ये कहा गया है कि कार्डानो आगे जाएगा। ठीक, अभी भी बहुत आगे जाएगा यहाँ पर। कार्डानो की जो क्रिएटर हैं चार्ल्स हॉकिंसन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंसान है, जो मैथ्स से रिलेटेड हैं और मैथ्स को बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं। उन्होंने कार्डानो के प्रोजेक्ट अलोंजो और ये सब मैथमेटिशियंस के ऊपर नाम के ऊपर रखे। ठीक है, इथेरियम्स वाइटलिक बटरिन हैज़ प्रेस कार्डानो फॉर हैविंग सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़। वाइटलिक बटरिन को आप जानते हो कि जो इथेरियम के कोफाउंडर, उन्होंने कार्डानो की तारीफ की और कहा कि उनसे भी बढ़िया यहाँ पर आइडियाज़ उनके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डानो बटरिन ने एक इंटरव्यू डाला था जो कि आया है, वो मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग को भी सर्च करूँगा, देखिए अगर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, पॉडकास्ट आया है वाइटलिक बटरिन का, वो भी देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कार्डानो क्यों आगे जा सकता है। ठीक, तो आई होप आपको दैट्स इट, ये आज का सेशन हो गया हमारा, और आज की खबर जो भी थी इंपॉर्टेंट थी, छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।